एक बार मैं आपको बाहर से पूरा बुलंद दरवाजा दिखा देता हूँ, देख लीजिए। ठीक है, सरकार के मजार सामने से। हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग पहुंच गए हाजी अली दरगाह। वैसे काफ़ी टाइम से ही प्लान चल रहा था हाजी अली आने के लिए, बहुत ज़माना हो गया। एक्चुअली हम लोग जब कॉलेज का टाइम रहता था तब हम लोग हाजी अली उल्टे मार के कॉलेज के यहीं पे ही पहुंचे रहते थे, ऑलमोस्ट यहीं पे ही रहते थे। लेकिन उसके बाद से तो कभी आना ही नहीं हुआ। आई थिंक मेरे को ऐसा लग रहा है शायद 6-7 साल हो गया मैं हाजी अली आया नहीं हूँ। तो वही जब से वीलॉगिंग शुरू किया तभी से मेरा प्लान था कि बहुत जल्दी हाजी अली जाऊँगा, लेकिन मौका ही नहीं मिलता था। लेकिन आज सरकार का बुलावा आ गया और हम लोग पहुँच गए हाजी अली दरगाह। इवन गेट के पास भी पहुँच गए। मैं आपको एक दिखा देता हूँ, ये भी एक बहुत ही ज़्यादा, एक मिनट देखिए, ये भी जो हाजी अली जू सेंटर है ये भी बहुत फेमस है और यहीं से एंट्री है, ये एंट्री पॉइंट है अंदर जाने का। दरगाह के अंदर नहीं, वो जो रास्ता है ना वहाँ पे जाने का, ये एंट्री पॉइंट है। लो अंदर चलते। अच्छा सही बोल रहा, तू जालबूझ के आगे गया ना, तेरे को वीडियो में आने का था ना। हला देखिए, जैसे आप अंदर एंटर करेंगे तो यहाँ पे आपको न्यास के लिए सब सामान मिल जाएगा। इवन यहाँ पे रेस्टोरेंट्स भी है, चादर वगैरह सारी चीज़ आपको एंट्री पे मिल जाएगी। लेकिन यही सारी चीज़ आपको दरगाह के पास भी मिलेगी, तो अगर आपको यहाँ से ले लेते थोड़ा सस्ता मिलेगा। दरगाह के पास अगर आप न्याज वगैरह लेते हैं, चादर वगैरह लेते हैं, तो थोड़ा सा एक्सपेंसिव रहेगा। अंदर पूरा मार्केट लगता है, आप देखिए ना, यहाँ पे पूरा मार्केट लगेगा। तो लोग मजार शरीफ आते आने के बाद अच्छी खासी शॉपिंग भी कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे पूरा मार्केट लगा हुआ है। पहले यहाँ से पूरा वो समुंदर यहाँ से ही दिखता था, लेकिन अभी ये मुंबई कोस्टल रोड प्रोजेक्ट जो चालू है इसके वजह से बंद करके रखा है। देखिए यहाँ से ही पूरा समुंदर दिखता था, लेकिन अभी इतना कुछ खास व्यू इधर पे यहाँ से जैसे एंट्री करेंगे वहाँ से नहीं दिखेगा, आगे से दिखेगा आपने। अभी ये क्या बन गया, ये थोड़ा अलग इन लोग ने बना दिया रास्ता, मस्त लग रहा है। लेकिन वेलकम टू हाजी अली दरगाह। चलो चलते अंदर। यहाँ से देखिए अभी पूरा समुंदर गायब कर दिए लोग, हाँ दिखता ही नहीं अभी, पूरा पैक करके रख दिए। हाँ एकदम टनल बना दिए लोग हाँ अंदर। एक हमारे साथ एक दूर भी आया हुआ है, तो लेडीज चप्पल ले ले खड़ा था वो। 400 रुपए में 4 चप्पल दे रहा था, तो उसको ऐसा लगा 4 जोड़ी, तो इधर इसको स्कैम नहीं मालूम है। तो 400 रुपए 4 मतलब 2 जोड़ी, क्या हुआ मिली भाई? हाँ मिली 4 चप्पल दे रहे को, 4 चप्पल मतलब इसको लग रहा है 4 जोड़ी, लेकिन इन लोग बोल रहे 4 मतलब 2 जोड़ी चप्पल। हम लोग टनल से बाहर निकल गए और यहाँ से व्यू देखिए माशाल्लाह। थोड़ा जूम करके आपको मजार शरीफ का व्यू दिखाता हूँ। और अभी इतना पानी है नहीं, पानी चढ़ा नहीं है, काफ़ी खाली है, तो यहाँ से थोड़ा व्यू दिख रहा है। नहीं तो इतना अंदर आने के बाद यहाँ से समुंदर दिख रहा है, नहीं तो स्टार्टिंग पॉइंट से आपको समुंदर दिखता है। चलते हैं आगे। ये देखिए जो कोस्टल रोड प्रोजेक्ट का काम चालू है हाजी अली में, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। काफ़ी हद तक बहुत, मतलब बहुत ज़्यादा काम हो चुका है। ये देखिए मैं जूम करता हूँ, एक्चुअली जूम करता हूँ ना तो आवाज़ इतनी नहीं आती है, इसकी वजह से जूम करने के टाइम मैं बोलता नहीं हूँ, क्योंकि जूम करता हूँ तो आवाज़ बहुत स्लो आ जाती है। यहाँ से देखिए मजार शरीफ। वैसे हाजी अली दरगाह की एक अपनी हिस्ट्री है, अगर वो बताने बैठूंगा तो डेफिनेटली वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा। आप लोग को कभी मौका मिलेगा तो डेफिनेटली बताऊंगा कि ये एकदम समुंदर के बीच में दरगाह क्यों है। जस्ट मैं आपको इतना बता देता हूँ कि हाजी अली दरगाह में डेफिनेटली मजार शरीफ तो है ही, लेकिन ये मुंबई में एक बहुत बड़ा टूरिस्ट प्लेस भी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा कोई शख्स नहीं है जो मुंबई आता है और वो हाजी अली ना आया हो, क्योंकि बहुत ही खूबसूरत माशाल्लाह दरगाह भी, और बारिश के टाइम तो इधर पे एक अलग ही व्यू है। कभी अभी बारिश जब आएगी तब डेफिनेटली हम लोग एक बार और आएंगे। मैं यहाँ से दिखाता हूँ और ऑलमोस्ट क्या हो गया ना कि मतलब स्टार्टिंग से जैसे एंट्री करेंगे वहीं से समुंदर दिखता है, लेकिन बहुत सारी चीज़ ढाक दिया है वो जो कोस्टल रोड प्रोजेक्ट है। फिर भी मतलब बहुत एरिया उसने कवर कर लिया, फिर भी ऐसा है कि समुंदर दिख रहा है और बहुत दूर है। अभी ये पानी देखिए आपको मैं दिखाता हूँ, बहुत दूर है जो एंट्री पॉइंट से जो हाजी अली आने का जो रास्ता है वो, देखिए रास्ता यही है। आज क्राउड ज़्यादा है क्योंकि सैटरडे है
और ये देखिए जो मैं आपको दिखाया था ना, जहाँ पे लिखा था वेलकम टू हाजी अली दरगाह, जो टनल ये लोग ने बनाया है, वो टनल जूम करके आपको दिखाता हूँ। देखिए यही टनल है वो। और सीरियसली ये कोस्टल प्रोजेक्ट के वजह से ना, जो व्यू है, मतलब जैसे एंट्री करते वो समुंदर पूरा दिखता है, वो डेफिनेटली उस व्यू पे असर पड़ा है। मतलब वैसा व्यू नहीं है जो आज से 6 साल पहले मैं हाजी अली दरगाह आया था। कहीं ना कहीं ये कोस्टल प्रोजेक्ट की वजह से बहुत व्यू, मतलब जो पहले व्यू आता था ना, सीरियसली मतलब बाहर से आपको हाजी अली दरगाह दिख रही है, लेकिन वो तो उन लोग ने कम्प्लीटली बंद करके रख दिया है। अब ये 5-6 बजे तक है ना, पानी पूरा यहाँ तक आ जाएगा, मतलब पूरा पानी चढ़ जाएगा। अभी बहुत दूर है, ठीक है, यहाँ पे ऑलरेडी क्राउड है। आज सैटरडे तो आपको क्राउड दिखेगा। ये मज़ार शरीफ के पास हम लोग जस्ट पहुँच ही गए। देख चलते डायरेक्ट अभी मज़ार शरीफ के अंदर ही। हम लोग मज़ार के पास तो पहुँच गए। एक बार मैं आपको बाहर से पूरा बुलंद दरवाज़ा दिखा देता हूँ, देख लीजिए। देखिए यहाँ से धूप बहुत ज़्यादा है, इसकी वजह से शायद आपको थोड़ा येलो येलो दिख रहा होगा। ये देखिए मैं जूम करता हूँ, आस्थान है हज़रत पीर हाजी अली शाह बाबा। ये देखिए ये उर्दू में लिखा है। एक्चुअली क्या, मैं उर्दू मीडियम में कुरला म्यूनसिपल्टी वहीं से पढ़ाऊँ ना मैं, तो मेरे को उर्दू आती है। यहाँ से देखिए बुलंद दरवाज़ा, माशाल्लाह। अब चलते अंदर डायरेक्ट। जैसे आप बुलंद दरवाजे से एंट्री करेंगे तो देखिए ये जो मज़ार शरीफ है, यही सामने मज़ार शरीफ है, लेकिन रिनोवेशन का काम चालू है पूरे मज़ार शरीफ का। तो अभी मैंने पता किया है तो मज़ार शरीफ के अंदर नहीं जाने दे रहे, लेकिन यहाँ से आप लोग फूल वगैरह चादर वगैरह सरकार को पेश कर सकते हैं। यहाँ से मैं आगे से दिखाता हूँ, और पूरा डोम का पूरा रिनोवेशन का काम चालू है। मैं आपको थोड़ा आगे से आपको दिखा देता हूँ। सरकार की मज़ार भी ओपन है पूरा, ये पहले पूरा पैक था मज़ार शरीफ, वो भी ओपन है, तो थोड़ा बड़े लेवल पे रिनोवेशन हो रहा है। ये देखिए पूरा ओपन है, यहाँ डोम था, ये डोम भी नहीं है, डोम का भी काम पूरा रिनोवेट हो रहा है। देखिए सरकार के मज़ार शरीफ सामने है, ये देखिए वजू करके सरकार को सलामी पेश करते। एक बार मैं आपको अंदर से पूरा कंप्लीट व्यू दिखा देता हूँ। ठीक है, इधर से ये लेडीज़ सेक्शन है, यहाँ से लेडीज़ फातिहा वगैरह देते हैं। अंदर जाना है दरगाह में अलाउड नहीं है लेडीज़ को। और ये जो आप देख रहे हैं ये एक तरीके से आराम गाह है, यहाँ पे लोग आराम करते हैं, अपना खाना वगैरह खाते हैं, नाश्ता वगैरह करते हैं। देखिए ये गेट से हम लोग बुलंद दरवाजे से अंदर आए थे, और यहाँ पर ये कैंटीन वगैरह भी अवेलेबल है अंदर भी, मज़ार शरीफ के अंदर भी। और यहाँ पे प्रोग्राम भी है कव्वाली का, वहाँ पे उसको भी कवर करेंगे। पहले सरकार को एक सलामी पेश कर देते हैं वजू करके। मज़ार शरीफ के पीछे ही वजू खाना है, ठीक है, चलो वजू करते। अब मैं पूरा मज़ार शरीफ का आपको व्यू दिखाता हूँ। ये पीछे से जहाँ से मैं वजू करने आया था, वहाँ से पूरा आपको चलते हुए पूरा व्यू दिखाता हूँ। देखिए ये पीछे का है, मज़ार शरीफ के पीछे का व्यू है। अभी हम लोग जाएंगे आगे से, पूरा कंप्लीट आपको मज़ार शरीफ का व्यू दिखाता हूँ। ये देखिए हम लोग वजू खाने की तरफ है। अब यहाँ से जो रास्ता, देखिए यहाँ पे एक मस्जिद है, यहाँ पे आ गए हम लोग। अब यहाँ पे देखिए एक मस्जिद है, ये मस्जिद है, और यहीं पे ही कव्वाली का प्रोग्राम हो रहा है, वो भी कवर करेंगे। पहले अभी पूरी कंप्लीट हम लोग मज़ार शरीफ को कवर करते हैं। देखिए यहाँ से जो फातिहा वगैरह लोग दे रहे हैं, यहाँ से फातिहा वगैरह दे रहे हैं। ये देखिए ये है सरकार की मज़ार, देखिए माशाल्लाह। देखिए लोग कितने दूर से सलामी पेश कर रहे हैं, क्योंकि पूरा रिनोवेशन कर, देखिए पूरा डोम वगैरह भी चेंज कर रहे हैं। आप देखिए अंदर से पूरा डोम भी पूरा न्यू कर रहे हैं, पूरा रिनोवेशन का काम चालू है। आगे से लेते हैं मज़ार शरीफ का। देखिए जो दरगाह के मुजावर है वो इतना दूर खड़े हैं, देखिए
अब मैं एकदम फ्रंट में आ गया हूँ, ठीक है, सरकार के मज़ार सामने से। माशाल्लाह, मज़ार शरीफ पे हाज़री पेश तो कर दिए। अभी हम लोग जा रहे थे कव्वाली के प्रोग्राम में, देखिए इधर से राइट साइड पे कव्वाली का प्रोग्राम होता, लेकिन शायद उसको मालूम पड़ गया हम लोग आ रहे, इसकी वजह से अभी इन लोग ने ब्रेक ले लिया। फिर भी आपको सेटअप दिखा देता हूँ, देखिए यही यहाँ पे कव्वाली का सेटअप लगता है, देखिए टी ब्रेक हुआ था ये लोग का, फिर चालू हो गई है कव्वाली। माशाल्लाह, ये तो मेरी फेवरेट कव्वाली है। अल्हम्दुलिल्लाह, सलामी तो पेश कर दिए मैंने, आप लोग के लिए भी दुआ किया, लेकिन आप लोग मेरे लिए कुछ मत करो, खाली वीडियो देख के भाग जाते हो, सब्सक्राइब नहीं करते। तो वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो। और हाँ, पहली बार मैं इंस्टाग्राम आईडी दे रहा हूँ स्क्रीन पे, क्योंकि ज़्यादा वहाँ पे अवेलेबल रहता हूँ, तो जो भी शिकायत रहेगी या कुछ भी रहेगी तो आप इंस्टाग्राम पे कर सकते हो। और अभी मैं आपको पीछे का व्यू दिखाता हूँ, देखिए ये हाजी अली के पीछे का व्यू, देखो यहाँ पे क्राउड देखो, यहाँ पे पब्लिक उतरती भी है, नहाती भी है। पहले बंद किया था लेकिन अभी फिर चालू कर दिया यहाँ पे, देखिए यहाँ पे। वो राइट साइड का भी एक बार कवर कर लेता हूँ मैं, ये राइट साइड से भी आपको व्यू दिखा देता हूँ, देखिए बहुत दूर है, मतलब अभी पानी बहुत दूर है। और ये देखिए, मैं आपको अंदर से दिखाया था ना, जो यहाँ पे ये समझिए आरामगाह जहाँ पे लोग आराम वगैरह करते हैं, ये पीछे से भी पूरा समुंदर व्यू दिखता है, देखिए। तो चलते हैं अभी, मतलब ऑलमोस्ट पूरा हाजी अली दरगाह कवर कर लिया है मैंने। सो वीडियो ख़त्म करने से पहले मैं फिर से आप लोग को वही चीज़ बोलना चाहता हूँ, ए तुम लोग भी बोलो भाई। क्या बोलना? अरे वही जो बोलने बोला था। क्या बोलने बोला था वो तो बताओ, जाओ तुम लोग। हाँ, तो अगर वीडियो पसंद आ रहा तो चैनल को सब्सक्राइब करो। और एक आखिरी व्यू आपको दिखा देता हूँ सनसेट का, देखिए अभी 5:30 हो गए, एक लास्ट व्यू देखे, कितना ब्यूटीफुल व्यू है। और हाँ, इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लेना, आईडी पहली बार दिया हो तो थोड़ा इज्जत रख लेना। मजा आया।